हम बात कर रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा की। आज के दिन की बात करें तो बड़ी गिरावट फिलहाल हमको स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है, 4% के ऊपर का फॉल हमको मार्केट में बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। अक्सर स्टॉक इसी तरह से गिरावट दिखा रहे हैं, 4% 5% इसी तरह की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसके पीछे के रीज़न जो है दोस्तों, वो FIF की जो बड़ी सेलिंग है, इस महीने में लगातार FIF ठोक कर सेलिंग कर रहा है इंडियन मार्केट में। हमारे जो मार्केट में लगातार सेलिंग देखने के लिए मिल रही है FIF की ओर से, बहुत बड़ा डेटा निकल कर आ रहा है सेलिंग का इस मंथ का। और इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस भी किया था कि GMR एयरपोर्ट जो है अपने 80 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर सकता है। जंप ज़रूर आया है लेकिन जंप पर रिजेक्शन लेकर अपना लो ब्रेक डाउन कर सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न हमको यही दिखा रहा है, लगातार सेलिंग प्रेशर है स्टॉक पर, जिसके चलते ब्रेक डाउन हो सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और आज की डेट में हमको 80 का लेवल ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। यहाँ से अब ये गिरावट कंटिन्यू होते हुए नज़र आएगी और गिरावट यहाँ से GMR दिखा सकता है। अगर हम इसको देखें कि आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किस लेवल पर बनेगा, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम चल कर देखते हैं तो देख सकते हो, इससे पहले ऑलमोस्ट 92 के लेवल से स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, 70 तक का फॉल दिखाया था। अब यही जो लो है मेजर सपोर्ट का काम करेगा, 70 का जो लो, इसके आसपास से GMR का खेल पलटते नज़र आ सकता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। स्टॉक जंप के बाद रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन पर अपना रिसेंट लो ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। जंप आता भी है तो हमको बुलिश नहीं होना है, क्योंकि स्टॉक जंप पर रिजेक्शन दिखा रहा है। अब जो 80 का लेवल था रेजिस्टेंस का काम करने वाला, 80 तक का जंप अगेन दिखा सकता है, रिजेक्शन के साथ अपना लो ब्रेक डाउन करते हुए 70 तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से रिकवरी दिखाता है, बाउंस बैक करता है, तो 84 का जो लेवल है, ये जो इसका रिसेंट आए जहाँ से रिजेक्शन लेकर बड़ी गिरावट आई है, यहाँ तक का जंप दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा 84 के लेवल का ब्रेकआउट। अगर बाउंस बैक के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो वैसी सिचुएशन में फिर अपसाइड और रिकवरी दिखा सकता है। अदरवाइज मार्केट में और स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, जिसके चलते लगातार गिरावट आ रही है, तो फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना ही ठीक रहेगा। 70 तक की गिरावट आती है तो वहाँ मौका बन सकता है, लेकिन सिचुएशन देख कर यहाँ एंट्री ली जा सकती है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।